एक ही संसार में ना जाने कितनी दुनिया बसी हुई है। एक दुनिया ऐसी भी है जहां आत्मा का सफर खत्म हो जाता है और पेट की यात्रा शुरू हो जाती है, और पेट कमबख्त फैलकर दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। ऐसी दुनिया में अगर कोई सपना देखने की हिम्मत करे तो उसे क्या कहा जाएगा? अनजान, मासूम या जिद्दी, आप चाहे उसे जिस नाम से पुकारें, कोयना गांव के लोग उसे लाली बुलाते हैं। जल्दी देना। ले मुन्ना। लवली, इले। और मेरे लिए? ले। दीदी आपके लिए? तुम लोग खा रहे हो ना, उसी से हमारा पेट भर जाएगा। ए दीदी और दो ना। ये माई बाबू के लिए। तो चल ना। रुक, छठी मैया ने इतना सारा केला खाने के लिए दिया है, तनी सुन आशीर्वाद ले लेते हैं। ये दीदी चटभुजा कहाँ होती है? सूरज देवता के लिए, वो दुनिया को धूप और रोशनी देते है ना, यही लिए। और हमें केला देते। चल। तनी आशीर्वाद दीजिए ना। तू? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। ये नीच जात कहाँ से आ गई यहाँ पे? अरे भगाओ इसे, भाग यहाँ से, भाग। छठी माई का आशीर्वाद लेने आए ठाकुराइन जी, तनी दूरी से दे दीजिए ना। तू जानती है अपनी जात को? घुस आती है पूजा पाठ में, प्रसाद वसाद रखा है, छू भी लिया तो छठी माई नाराज हो जाएंगी। छठी माई को क्या मालूम हम कौन जाते हैं, दूरी से खाली ऐसे कर दीजिए। अब तू मुझसे जबान लड़ेगी? भाग यहाँ से, नहीं तो मारूंगी एक। भाग यहाँ से। गोसा का है और ये ठाकुरान जाते हैं। के ललिया, बाप रे, आग तो बड़ी तेज है, दूर से पहचान गई। का चाही? तनी आशीर्वाद दीजिए ना, कहिए छठी मैया से तनी हमरो ऊपर कृपा करें। अरे तेरी मांग में तो सिंदूर भरा ही है, गौने की राह देख रही हो ना? जा छठी माँ तोरा गौना जल्दी से करवा देंगी।
क्या हुआ? अरे मिल जाएगा काज, काहे चिंता कर रहे हो? खाओ। सब खाकर सो गए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा ललिया की माँ? ये हालात देखकर निवाला नहीं उठता हमरे हाथ से। कल बच्चा सबको का खिलाएंगे, यही चिंता खाए जा रही। अब भगवान पेट दिए है ना, तो खाने का इंतजाम वही करेंगे। तुम फिजूल की मत सोचो, तुम खाओ। अरे खाली पेट मानक मजदूरी होती है का? पूरा घर तो तुम्हारे ही शरीर के सहारे टिका हुआ है, और तुम होके शरीर पर ध्यान ही नहीं देते हो। निका, तुम्हें यही बात अच्छी नहीं लगती, खा रहे हैं ना? सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। ये हमरा का है? का है? हवा भी कर रहा होगी का दिन भर? ये लो खाओ। सुख नहीं दे पाए ना बीवी को ना बच्चों को। फिर वही फालतू बात, अरे बहुत गंगा नहाए तब जाके ऐसा बर मिला हमको। हमको लगता है शंकर जी भी पार्वती जी से ऐसा प्रेम नहीं करते होंगे, और क्या चाहिए हमको? बस तुम्हारा साथ जन्म जन्म तक मिलता रहे, यही लालसा है हमरे मन में। सोच रहे हैं कल गोला बाजार चले जाए। का है? वहां ठेकेदार काम देता है मजदूरों को, हम भी जाके टिराई करेंगे। बड़ा शर्म लगता है रे, सयान बेटी ब्याह करके घर में रखे हैं, और वो बच्चा सबका पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहती है।
है, बढ़िया बढ़िया मिठाई है। अरे क्या बात कर रहे हो, मिठाइयाँ? अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग जी, ट्रेन बना के? ए दीदी अंदर जाकर देखो ना, बढ़िया बढ़िया मिठाई बन रही है। चलो यहाँ से, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? चल दीदिया। हाँ? हम थोड़ा सा मांगने का, हमको बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी हमको भी। हाँ दीदी। अभी यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, शाम को पूजा पाठ के बाद सबको मिठाई मिलेगा। हाँ एक बार हम मांग के देखे का है? तुम कहीं के लाड साहब का जो तुमको अभी मिठाई मिल जाएगा। चल अब भूख लगी है तो। हाँ दीदी हमको भी। तो आगे चल ना, आगे बहुत कुछ है, हम कुछ उपाय करेंगे। तुम क्या करोगी? तुम लोग को भूख लगा है ना? हाँ हाँ, तो भूखे का तो उपाय करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से चलोगे तब ना, फिर देखो क्या करते हैं। चल रे मुन्ना चल। अरे भैया ठेकेदार साहब कब आएंगे? कहे कहाँ घर है तुम्हारा? पहाड़ के पीछे कोई ना काम। चले आए यहाँ हम लोगों के पेट पे लात मारने? अरे भैया काम मांगने आए हैं। पेट पे लात मारने का क्या मतलब भैया? मालिक हमका, ए मालिक। चुप चुप, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, नहीं तो एक कौ को काम नहीं मिलेगा। हमारे को आज बहुत मजदूरों की जरूरत है, एक एक कह के गाड़ी में बैठ जाओ। ए रुका, ई 1.5 फुट का टांग पर तू मेहनत मजदूरी करेगा का? नहीं मालिक नहीं, हम सारा काम कर सकते मालिक, हम भारी से भारी काम कर सकते, हम दौड़ धूप भी कर सकते मालिक, मालिक हम दौड़ के दिखाते मालिक। एक देखिए देखिए मालिक, देखिए मालिक देखिए, हम दौड़ सकते हैं मालिक, मालिक देखिए इसकी कोई गड़बड़ नहीं मालिक। देखा मालिक, मालिक हम भारी से भारी सामान भी उठा सकते हैं मालिक। अरे नहीं नहीं, मुझे नुमाइश नहीं करवानी है, अरे वहाँ काम करवाना है। चला हो रुके मालिक, ये देखिए देखिए ये देखिए मालिक, हम भारी से भारी सामान उठा सकते हैं मालिक। देखिए मालिक देखिए देखिए मालिक, मालिक
मालिक हम इससे भी भारी सामान उठा सकते हैं। मालिक मालिक रुके इधर रुके मालिक। अरे चलाओ ससुरा पीछे ही पड़ गवा है। सुनिए मालिक रुकिए मालिक रुकिए देखिए अरे नंकुआ काम चाहिए का पैसा मिलेगा। हाँ जितना काम उतना ही पैसा। तू आई हो मालिक हमरा बच्चों का खाने का इंतजाम हो जाएगा मालिक। चल अबली देख के पकड़ो कुछ को पकड़। ए दीदिया इस नदी के पास कार आई है पानी पीकर पेट भरेगा का। ए मुन्ना पहले भाग के आओ। चल लेका नीचे चल। ए लवली देख के कैसे भरेगा। हाँ रे मुन्ना भरेगा लेकिन कैसे। कैसे वैसे कि हाँ ये पत्थर को नदी के ऊपर पहुंचा दोगे ना तब बाबू को काम मिलेगा। अब बाबू को काम मिलेगा तो घर में ढेर सारा खाना आएगा। देखते हैं तू लोग में से कौन ऊपर पत्थर पहुंचाता है। चल रे मुन्ना शुरू हो जा। पत्थर पानी के ऊपर उछल उछल कर पहुंचना चाहिए। चल मर पत्थर अब लवली मारेगी। चल मार लवली। चिचली चिचली पाल लगा दे बाबू के तू काम दिला दे। अब रेखा की बारी मारे रेखा जमा के मार। हमसे तो नहीं हो रहा तू ही कर तुझसे जरूर हो जाएगा। हम करें। हाँ। चल हम मारते हैं। गाओ गाना। चिचली रे चिचली पार करवा दे बाबू के दो रोटी दे दे।
काम किया बाबू साहब, आखिर में पकड़ ही लिया। ससुरा बहुत तेज है, रात भर में बीघा भर खेत काट कर उलट देता। ठीक है ठीक है। एक रहुआ। जी मालिक। खेनी चुना दे इसको। चल ले हाथ फैला। चल अब जा, मिल गई ना मजदूरी। चलो रे मालिक। पैसा? कैसा पैसा रे? ससुरा इतना देर में एक ठो चूहा पकड़ा, उसके लिए तो खैनी चूना भी ज्यादा है जो तोरे हाथ में है। तू क्या चाहता है, घर द्वार तोरे नाम कर दे का? बहुत होशियार समझता है अपना आपको। चल रे घर हुआ, चल। ए मालिक, ए बाबू साहब, बच्चा लोग भूखा है, ऐसा मत करिए। ए मालिक, बच्चा लोग भूखा है मालिक। ऐसा मत करिए। लाली दीदिया, आज भी बापू को पैसा नहीं मिला। दीदी आज आप फिर से भूखे रहेंगे? नहीं रे लवली, कोई भूखा नहीं रहेगा।